केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कर्नाटका पहुंची और कर्नाटका पहुंचते ही उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में, जैसे वो लगातार झूठ बोलती है, हैबिचुअल लायर, फिर से झूठ बोलना शुरू कर दिया है। लेकिन कर्नाटका पहुंचने पर आपसे सवाल बड़े तीखे और बड़े वाजिब है। सवाल आपसे ये है कि अपनी 40% कमीशन की सरकार पर क्या बोलिएगा। आज अखबारों में पूरा पूरा रेट कार्ड छपा है आपकी सरकार का, जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर पुलिस के सिपाही तक भर्ती में कितना पैसा लिया जाता है, कितना कमीशन है, उस पर मुंह कब खोलिएगा। आप चुप्पी कब तोड़िएगा जो कर्नाटका में आपकी सरकार ने भ्रष्टाचार का आतंक मचा रखा है, जो कर्नाटका में बेरोजगारी का आतंक मचा रखा है, जो कर्नाटका में भाजपा की 40% सरकार ने महंगाई का आतंक मचा रखा है। उन विषयों पर आप कब बोलिएगा और कब तक आप मुद्दों से भटकाने का प्रयास करिएगा। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश की महिला बाल विकास मंत्री जंतर मंतर पर बैठी हुई बेटियों के पक्ष में एक शब्द नहीं बोलती और गला तब फाड़ती है, मुंह तब खोलती है जब राहुल गांधी या गांधी परिवार के खिलाफ कुछ बोलना होता है। आप लाख कोशिशें कर लीजिए स्मृति जी, कर्नाटक ने मन बना लिया है, आपकी 40% कमीशन खोरी सरकार को कर्नाटक निकाल बाहर करेगा और कांग्रेस को विजयी बनाएगा। लेकिन आप पर तरस आता है कि आपकी राजनीति और आपका वजूद सिर्फ गांधी परिवार के खिलाफ बोलने पर है, पर मुद्दों से हम आपको भटकाने नहीं देंगे। ये चुनाव 40% कमीशन खोरी पर अपनी चुप्पी तोड़िए, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के आतंक पर आपको बोलना ही पड़ेगा। आपके लगातार जो झूठ है उनका पर्दाफाश हो चुका है, यहाँ पर आकर कर्नाटका की बात कीजिए। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।